दोस्तों आप लोगों का क्वेरी था कि मार्बल में बास्केट की या चैनल की फिटिंग करने के लिए हमें सागवान फ्रेम किस तरह से लगाना रहता है, यानी कि लकड़ी की फ्रेमिंग किस तरह से करनी रहती है, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे हमें इनोटेक फिट करनी है या फिर टेलीस्कोपिक चैनल लगानी है तो इस तरह की वुड फ्रेम आगे कर दी जाती है ताकि सारा जो स्क्रू है वो आपका वुड फ्रेम के ऊपर आ जाए। ऐसा करने से जो है वुड के अंदर स्क्रू जाएगा तो कभी भी लूज़ नहीं होगा, कभी भी ढीला नहीं होगा। इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो ऑटो हिंजेस लगाते हैं अपन, कोई पल्ला लगाना तो ऑटो हिंजेस का कंप्लीट स्क्रू यानी कि चारों स्क्रू आपके जो है वो यहाँ देख सकते हो आप फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, वुड फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं ताकि अपने को कभी भी स्क्रू लूज़ होने की प्रॉब्लम नहीं आती। ये जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक लकड़ी दिखा रहा हूँ, जो लकड़ी सागवान फ्रेम जो काम में ले आता है, इसको आप सेकेंड या फर्स्ट ग्रेड का सागवान जो आता है वो काम में ले सकते हो। इसकी जो साइज़ आती है वो 3 इंची विड्थ आती है, 1.5 इंची की थिकनेस आती है और 30 इंची हाइट आती है। अब मैं इसको आप फिट करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से सागवान फ्रेम को आगे फिट किया जाता है, मार्बल में कसा जाता है। दोस्तों हम सबसे पहले जो है वर्टिकल मार्बल के अंदर होल करेंगे। इसके लिए आप 8 mm 10 mm बर्मा काम में ले सकते हो। होल करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि 3 जगह होल करना है अपने को, लकड़ी को 3 जगह से कसना है, इसलिए 3 होल करेंगे इसके अंदर अपन। एक अपन टॉप में करेंगे, एक मिडल में करेंगे और एक अपन बॉटम वाले पार्ट में करेंगे, तो 3 छेद करने हैं। इसमें ध्यान रखना है कि छेद करते टाइम मार्बल ढीला ना हो जाए, आपस में जॉइंट खुल नहीं जाए। सबसे बढ़िया रहता है कि आप इसके अंदर जो है एक थिक मार्बल काम में ले लें, 1.5 इंची का जो मार्बल इंडिविजुअल मार्बल आता है वो काम में ले लें, तो आपका जॉइंट का खुलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 16 mm के मार्बल होगे तो 2 मार्बल अपने को काम में लेने पड़ेंगे। इसके बाद एक बार मार्बल के अंदर छेद हो जाता है तो उसके बाद अपने को एरालाइट यूज़ करनी रहती है। जो एरालाइट आती है इसको मिक्स कर लीजिए और इसको आप जो छेद अपन ने बनाया उसको गिट्टी लगाना है, तो गिट्टी के अंदर एरालाइट को फिक्स करके, एरालाइट में गिट्टी को भिगो करके और उसको हथौड़ी के जरिए अंदर ठोक दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो गिट्टी हो फिक्स हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा गिट्टी निकला हुआ है तो उसको आप छेने की मदद से कटिंग कर सकते हो। इसके बाद अपने को स्क्रू डाल लेना है इसके अंदर, कम से कम 4 इंच का स्क्रू अपने को काम में लेना है इसके अंदर, और जो सागवान फ्रेम है उसके ऊपर भी एरोलाइट लगा देनी है। एरोलाइट सागवान फ्रेम पे लगने के बाद में हमें ये तीनों जो स्क्रू हमने किए हैं इनको हमें पत्थर के ऊपर कसना रहेगा, तो इस तरह से इसको पैटर्न बना करके आप रख लीजिए और एक बार स्क्रू को थोड़ा सा कस दीजिए। इसके बाद में आप इसका एक बार सेट कर दीजिए कि आपका जो मार्बल के अंदर स्क्रू है वो इजीली जा रहा हो, सब होल्स को चेक कर लीजिए। उसके बाद में हल्का सा हथौड़ी की मदद से इसको सेट करके, उसके बाद में जो स्क्रू ड्राइवर होता है आपका, स्क्रू ड्राइवर जो मशीन आती है उसके थ्रू आप स्क्रूज को टाइट कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो तीनों स्क्रू हमें टाइट करने हैं। एक बार हमने स्क्रू टाइट कर दिए उसके बाद में एक काम होता है सावल लेने का, मतलब ये सावल में तो है ये चीज़ चेक करना जरूरी ताकि आप जब पल्ले लगाओ तो वो सीधे आए, वो कभी भी बैंड ना हो और उनको लगाने में प्रॉब्लम नहीं आए। इस तरह से हमने सारे ही पूरे किचन में सागवान फ्रेमिंग कर दी है। देख जैसा कि आप देख रहे हो सारे वर्टिकल मार्बल पर फ्रेमिंग हो चुकी है। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टैक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए।